नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को, जिसका पहला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किस संगठन से महामेट्रो कॉरपोरेशन ने नागपुर में अपनी मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए 3,586 करोड़ रुपए का ऋण लिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, यानी यूरोपीय निवेश बैंक और एशियाई विकास बैंक। महामेट्रो कॉरपोरेशन ने नागपुर में अपनी परियोजना के दूसरे चरण के लिए ऋण व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। यह मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ADB और यूरोपीय निवेश बैंक से 3,586 करोड़ रुपए का ऋण जुटाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ। 5 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में ग्राहक की 3 EMI का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने स्वरा फिनकेयर लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाने के लिए निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने गैर बैंकिंग ऋणदाता स्वरा फिनकेयर के साथ हाथ मिलाया है, जो उधारकर्ताओं को 5 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में 3 EMI का भुगतान करने की पेशकश करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में एक वोट के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसने देश के इतिहास में धूर दक्षिणपंथी सरकार को लाया। नेतन्याहू ने अपनी नई सरकार के स्वीकृत होने के कुछ मिनटों बाद शपथ ली, जिसमें 120 में से 63 प्रतिनिधियों ने प्रशासन के पक्ष में मतदान किया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विमान ने भारतीय वायुसेना IAF ने ब्रह्मोस वायु मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, Sukhoi-30 MKI। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट से बंगाल की खाड़ी में एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में नए जुआरी पुल का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोवा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में गोवा के नए जुआरी पुल का उद्घाटन किया है। पुल उत्तर और दक्षिण गोवा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में श्री शैलम मंदिर परिसर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। रोगियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों को हाल ही में ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS से लैस किया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस IIT ने वॉटर्न QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, IIT मद्रास। वॉटर्न QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स, जिसे शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है, ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM को महत्वपूर्ण मान्यता दी। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम का पुरस्कार IISc बेंगलोर के साथ साझेदारी में IIT मद्रास पाठ्यक्रम BS डेटा साइंस और NPTEL को मिला। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ।
भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आने वाले वर्षों में कितने छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1000। रेल मंत्रालय ने अपने स्टेशन पुनर्विकास अभियान के हिस्से के रूप में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान के आधार पर तैयार की गई है, जो स्टेशन की मांगों और उपयोग के अनुसार स्टेशनों का पुनर्विकास करेगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 24 दिसंबर को 10 दिवसीय बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं का जश्न मनाना और केरल के कासरगोड के पर्यटन को बढ़ावा देना था, जिसे 7 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।